आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज, करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा और हम खड़े हैं हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए रिजर्व है। यहां पर यूं तो जाति और क्षेत्रवाद के लिए वोट डाले जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं, जिनमें पेयजल, सड़क, बिजली सहित कई मूलभूत समस्याओं को लेकर भी लोग चर्चाएं करते हैं। कई बार लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह के लोगों से वायदे करती हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसी हिंडौन सिटी पूर्वी राजस्थान की चर्चित एससी बाहुल्य विधानसभा सीटों में से एक है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, हवेलियाँ और प्राचीन मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हिंडौन सिटी में ही जैन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र श्री महावीर जी मंदिर भी है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। राजधानी जयपुर से 150 किलोमीटर दूर इस शहर की पहचान लाल पत्थरों के लिए भी है। हिंडौन सिटी से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के लिए भी सीधी रेल कनेक्टिविटी है, जिससे यहां के व्यापार को मजबूती मिलती है। हिंडौन की सियासी तस्वीर देखें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता भरोसी लाल जाटव पांचवी बार यहां से विधायक है। साथ ही नगर परिषद और चायत समिति में भी भरोसी के परिवार का कब्जा है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो यहां कांग्रेस का दबदबा नजर आता है। अब बात हिंडौन सिटी के सियासी गणित की। 1998 में कांग्रेस के भरोसी लाल जाटव विधायक बने। 2003 में INLD के कालू राम विधायक बने। 2008 में कांग्रेस के भरोसी लाल जाटव विधायक बने। 2013 में बीजेपी की राजकुमारी जाटव विधायक बनी। 2018 में कांग्रेस के भरोसी लाल जाटव विधायक बने। हिंडौन विधानसभा सीट पर करीब 2,69,468 मतदाता हैं। वहीं जातीय समीकरण के आधार पर बात करें तो एससी और ओबीसी वर्ग के वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, जो हर चुनाव निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। 90,000 एससी मतदाता, 90,000 ओबीसी मतदाता, 25,000 एसटी मतदाता, 22,000 अल्पसंख्यक मतदाता, 20,000 ब्राह्मण मतदाता, 18,000 महाजन मतदाता, 3,000 जैन समाज के मतदाता। हिंडौन में समस्याओं की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में सड़कों का अभाव है, वहीं बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी यहां जनता महरूम है। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जिसको लेकर लोगों में अक्सर आक्रोश देखने को मिलता है। अब बात हिंडौन सिटी के प्रमुख चुनावी मुद्दे की। कमजोर कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की कमी। पेयजल सिंचाई परियोजना की मांग बरकरार। खस्ता हाल सड़कें और शुद्ध पेयजल समस्या। पानी निकासी के प्रबंध नहीं करने का आरोप। विधायक भरोसी लाल जाटव का दावा है कि उनका फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहा, साथ ही सड़क और पानी की परेशानी को भी दूर करने की कोशिश की गई। हिंडौन को चमकाने के लिए MLA फंड से करीब 19 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जिला हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन प्लांट लाए। कृषि डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज की सौगात दी। ASP ऑफिस, फूड पार्क, 132 KV GS लाए। श्री महावीर जी और सुरौट को तहसील का दर्जा दिलाया। हिंडौन का विकास सबसे अधिक हुआ इस 4 साल के कार्यकाल में। विरोधी आरोप लगा रहे हैं, इससे इसको आम जनता इस बात को जानती है कि हिंडौन का विकास इस 4.5 साल के कार्यकाल में जो हुआ है, आम जन इस सबको जानता है। और जो आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद आरोप हैं। महावीर जी पंचायत समिति में भी प्रधान है राजेश कुमार जी जाटव, वो कोई हमारे घर से थोड़ी है।
चुनाव से पहले यहाँ मूलभूत सुविधाएं मुद्दा बनती तो है, मगर मतदान की तारीख आते आते जातिवाद और क्षेत्रवाद का मुद्दा हावी हो जाता है और वोट भी इसी आधार पर पड़ते हैं। यही कारण है कि हिंडौन में विकास की रफ्तार दूसरे शहरों के मुकाबले कहीं सुस्त नजर आती है। क्षेत्र के विधायक का कहना है कि उन्होंने सड़कों सहित विभिन्न तरह की विकास कराए हैं, तो आम जनता विधायक पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े करती रही है। अब देखना यह है, स्थानीय मुद्दे फिर से चुनाव में हावी रहते हैं या जातिवाद और क्षेत्रवाद फिर हावी होगा। इस समय हम इंडौन के कटरा बाजार सराफा बाजार में खड़े हैं, जहां कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं स्थानीय विधायक के कामकाज से, वो कितने खुश हैं, कितने विधायक अपने वादों पर पूरा उतरे और कितनी समस्याएं अभी भी अधूरी हैं। हमारे साथ यहां कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो स्थानीय विधायक है उनके कामकाज से कितने प्रसन्न हैं आपको? विधायक का जो कामकाज है कोई भी दिखाई नहीं देता है, शहर की मूलभूत समस्याएं वो आज यहाँ की तो ही खड़ी हुई है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि ऐसा कोई वायदा नहीं है जो उसने पूरा किया हो और ना ऐसी कोई स्थिति है कि शहर में कोई मूलभूत सुधार हुआ हो। शहर की जो पूर्व स्थिति थी, जिस शहर के अंदर पेयजल के पानी से अगर आदमी मर जाता है, पेयजल के पानी से आदमी बीमार हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि शहर की स्थिति क्या हो सकती है। ये वर्तमान में शहर की स्थिति है। जिस जगह आप खड़े हो, जिस मार्केट में आप खड़े हो, उस मार्केट की स्थिति है कि अगर अभी पानी गिर जाए 10 मिनट बाद, तो यहाँ से आप वापस जाने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। चारों तरफ पूरा शहर जलमग्न अवस्था में है। कहीं कोई कॉलोनी में जो पुराने शहर का रहने वाला जो आदमी है, वो अगर मान लो बारिश के समय अगर चौपड़ साइड के अंदर है, तो उसको कोई रास्ता नहीं है अपने घर जाने के लिए। ये शहर की स्थिति है। ये बाजार पूरा डूबा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन इसलिए मैं तो ये नहीं मानता कि कोई व्यवस्था में सुधार हुआ है। व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, केवल लंबे चौड़े वादे, झूठी कहानियाँ, इनके अलावा और कुछ नहीं है। ब्लड बैंक की बात हुई, आज तक ब्लड बैंक का कहीं ऐसा पता भी नहीं है। विधायक जी ने ऐसा कोई काम जो नहीं किया, या नाले की समस्या इतनी दुर्भर समस्या है जिसके लिए आज तक पूरी सफाई तक नहीं होती और पूरी नालियाँ उबलती रहती हैं, ना किसी तरह की कोई, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप किसी भी ऑफिस में अपना कोई काम करवा ही नहीं सकते जब तक इनकी रजामंदी नहीं हो, तो इनसे ना कोई उम्मीद है ना इन्होंने कुछ ऐसा किया। क्या लगता है आपको मैडम, यहाँ विधायक का कामकाज कैसा रहा है? कामकाज में कोई भी सहायता नहीं मिल रही है, और थोड़ी बहुत भी सहायता मिलती है तो लोग उनको पीछा कर देते हैं। और जो बरसात आती है ना, तो अपन का कटरा बाजार और सराफा बाजार ऐसा भर जाता है कि निकलने में महिलाओं को बहुत असुविधा रहती है और ज़्यादा परेशानी आती है, तो आनसन पे बैठ जाते हैं। तो बस नगर पालिका कूड़े करकट को नालियों में से निकलवा के नहीं चुप लगा जाती है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, क्या लगता है आपको शहर में क्या समस्या? समस्या शहर की यही है, अब भी अगर 10 मिनट पानी लग जाए, पड़ जाए, तो आम लोगों का निकलना भारी हो जाता है। मार्केट में कोई आना पसंद नहीं करता, घुटने घुटने कच्चे में होकर निकलते हैं लोग। और शहर के पेयजल समस्या ये है सर, कि आज दो दो महीने से कॉलोनी वासी जो है खद्दर वाला कुआं आप जाकर देखिए, दो दो महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। काम काज तो ऐसा है जी, मेन रोड जो है पुल के नीचे से लेके गौशाला का जो पुलिस थाना है, मातागिरी रोड का टेंडर हुआ था और टेंडर की म्याद भी निकल चुकी है, लेकिन अभी तक ना रोड बना है। पब्लिक इतनी परेशान है के हिचकोले खाते रहते हैं, गाड़ियां वगैरह सब पब्लिक गिरती रहती है। बंद साइड अभी बना हुआ, बंद साइड भी पूरा नहीं हुआ है, टू साइड का तो कहना ही गलत है। क्या लगता है सर भाजी? ओवरब्रिज चालू हो चुका है, लेकिन उस ओवरब्रिज बन चुका है लेकिन उसको चालू नहीं किया जा रहा है। क्यों बंद भी कर रखा है? गौशाला चौपड़ से लेकर के और गौशाला तक ये स्थिति है कि चाहे जब गाड़ियाँ पलट जाती है और परेशानी कितनी आ रही है जिसका कोई जवाब नहीं। ये MLA साहब क्या कर रहे हैं? क्या लगता है भाजी, कितना समाधान हुआ है समस्याओं का? मैं यो कह रहा था सर कि आज अपन जो खड़े हैं, हिंडौन का दिल है ये, यहाँ पर अगर 10 मिनट भी बारिश हो जाती है तो पूरा हिंडौन लोक हो जाता है, एक घोटू घोटू पानी भर जाता है, दुकानों में पानी भर जाता है। विधायक और चेयरमैन और किसी का भी चेयर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। ठीक लगे साहब, ये खर्चा भरे और कहा अब शुरू थे शुरू तक, अब तक ये चेयरमैन भी कांग्रेस का और विधायक भी कांग्रेस का, लेकिन कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करवाया, खर्चा भरा हुआ है बीजेपी। क्या लगता है स्थानीय विधायक ने कितने काम किए? स्थानीय विधायक ने इस बार जो काम किए, शायद हमारे रिकॉर्ड में कभी भी इतने ज्यादा काम हुए ही नहीं। विकास इतना हुआ, रोडों को देखो, पानी की समस्या है, हमारे हॉस्पिटल में रक्त की व्यवस्था है,
और हमारे यहाँ तहसील बनवाई है सुरोट, और वहाँ पे बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भी क्रमोन्नत अभी सेंशन करवाया है। और गांव में देखें तो गांव में भी विकास इस तरीके से हुआ है कि शायद कभी भी ऐसी सड़कें नहीं बनी। और मुख्यमंत्री जी ने जो राहत प्रोग्राम चलाया था उसमें भी हमारे विधायक जी ने बढ़ चढ़ करके और काम देखे, गए शिविरों में, गए उनमें जाना, जांच करना, अधिकारियों से कहना कि जनता को इमीडिएट अभी की अभी है उनके कामों को करिए और उनको परेशान मत करिए। तो ऐसी जो चीज़ें मिली हैं देखने को, उनसे जनता का, जनता की भावना पार्टी के प्रति, हमारे विधायक के प्रति इतनी जागृत हुई कि शायद ही मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंडोन में तो बने ओनली कांग्रेस इज द भरोसीलाल जी एंड भरोसीलाल इज द कांग्रेस। क्या लगता है आपको? ये भरोसीलाल विधायक साहब इससे बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं है और इसको पूरा अनुभव है। और यहाँ जाट लॉबी जितनी भी है, आपके खेत में क्या क्या काम किए उन्होंने? सारी सड़कें कंप्लीट की हैं और गाँव के जितने भी जो विकास हैं सरपंच द्वारा उनको भी काम क्लियर किया है। मैं अभी हिंडौन में मौजूद हूँ, यहाँ पे आपके सामने हिंडौन विधायक के घर के सामने आज भी घुटने घुटने पानी है। नहीं सर, विकास है? नहीं नहीं, वो तो काम चल रहा है साहब, काम ओके हो तो। क्या लगता है आपको क्षेत्रीय विधायक का काम? मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से विकास सर्वांगीण होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क नालियों के निर्माण कार्य से लेके जो भी संस्थाएं इस दौर में प्रशासनिक स्वीकृति हो, चाहे शासकीय स्वीकृति हो, पंचायत समिति महावीर जी करवाई, सुरोट में तहसील बनवाई और हिंडौन में क्रमोन्नत कॉलेज करवाए, बच्चियों के कॉलेज खुलवाए, ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय, ऐसी तमाम सुविधाएं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं वो उन्होंने मुहैया करवाई। इसके साथ में मोदी जी की तो एक ही बात है कि डबल इंजन वाली सरकार होनी चाहिए, हमारे यहाँ तो ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। हमारे यहाँ पंचायत समिति से लेके और नगर परिषद और विधायक तीनों एक साथ हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ? विकास हमारे खूब अच्छी तरह से हुआ और सभी समाजों में, धाकड़ समाज से आता हूँ, धाकड़ समाज समिति का अध्यक्ष भी हूँ, उन्होंने धाकड़ समाज के लिए भी बहुत उपलब्धि की और भी माली समाज के लिए भी दिया और सड़क निर्माण चल ही रहा है। हमारे यहाँ शहर में ही रहते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। शहर में जगह जगह पानी भरने की शिकायत? नहीं, पानी तो गड्ढे में भरेगा ही, पानी तो गड्ढे में भरेगा ही साहब, सड़क बन रही है, देखिए आप नहीं भर रहे हैं। अधिकतर कॉलोनियों में पानी गंदगी की शिकायत है? नहीं नहीं, कोई सफाई तो बहुत ज्यादा हो रही है, गाड़ियां जाती है सुबह से ही चल जाती है नगर पालिका की, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। सर आप निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है आपके विधायक का कामकाज कैसा रहा? हमें फक्र है इस बात पर कि हम आने वाले इलेक्शन में जनता में जाएंगे तो कोई हमको ये नहीं टोकेगा कि ये कार्य नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, मतलब चाहे जिला हॉस्पिटल का हो, ब्लड बैंक का हो, मतलब जनता के पास हमसे कहने का कोई भी ऐसा वो नहीं है कार्य के ये इस टाइम में काम नहीं हुआ, तो हम तो बिल्कुल मजबूत है हमारा सीना। हिंडौन में विकास की बात तो सभी ने बताई कि हिंडौन में विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और अगर कोई काम बाकी रह गए हैं, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो एक ही बार में पूरे काम कर दे, इवन ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के भी पूरे काम नहीं हो पाते, उनकी मंशा बहुत अच्छी है। अभी आपने देखा कल एक युवाओं को कनेक्ट करने के लिए एक योजना लेकर के आए कि जो भी राहत कैंप में जो प्रभावित लाभान्वित लोग हैं उनसे संबंधित आप वीडियो बनाइए और 1,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा, और अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें इनाम मिलेगा। इवन अशोक गहलोत साहब ने जो काम किया है वो लाजवाब है, हर वर्ग खुश है। जो सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, ये बात कहते हुए कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने नौकरियां नहीं दी, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने एक एक बार में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी है। अभी हमारे यहाँ पे अभी राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की जो है भर्ती हो रही है। विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, हमारे विधायक मजबूत हैं और कार्य भी हुए हैं। और अभी जो पानी की समस्या को लेकर बात थी उसके लिए दोबारा से 40 करोड़ रुपया माननीय विधायक महोदय ने दिया, उससे पहले भी यहाँ 14 टंकियां बनी। इंडोर में बहुत कम नल आया करते थे, पानी नहीं होता था। सौंदर्यकरण के लिए देखिए आप, तालाब में बहुत तगड़ा विकास की ओर चल रहा है। जच्चा की बावड़ी में 5 करोड़ लगाए हैं, 60 करोड़ की लागत से ये रोडें जो बनी हैं। अब ये तो आरोप तो विपक्ष लगाता ही है, बाकी आप जहाँ भी शहर में सबसे बड़ी NITs उनके बेटे जो वर्क कर रहे हैं उनको भी पूरे वार्ड ने निर्विरोध चुना, कोई सामने नहीं हुआ, कहा भी कोई तैयार नहीं था कि साहब आपसे बढ़िया है कौन। अब इसके लिए कोई आरोप लगाए ये कहना गलत है। क्या लगता है आपको कितना विकास?
हिंडौन के क्षेत्र में पहले तो सभी लोगों ने बता दिया है, अच्छा विकास हुआ है और बहुत ही शानदार हर जगह कोने ढाणी जहाँ भी कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो माननीय विधायक महोदय ने रोड पक्का करा दी हर जगह पे। विधायक पर जो आरोप लगे हैं वो भेदभाव के भी लगे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भेदभाव के, वो तो सब 36 कौम के नेता हैं, बाकी लोग बागों का तो जवान नहीं है कुछ भी बोल सकते हैं, पर वो 36 कौम के नेता हैं, हर का सम्मान करते हैं। सर कितना लगता है विकास हुआ है कितने? विकास हमारे हिंडौन सिटी में खूब विकास हुआ है, सारी रोड बन गई हैं और सारी नालियों की समस्याएं हैं, सारे काम हो रहे हैं और अच्छे कार्य। विधायक साहब ने 4.5 साल के कार्यकाल में हिंडौन विधानसभा क्षेत्र के विकास में बहुत से ऐसे काम किए करवाए गए जिसमें जिला चिकित्सालय हिंडौन में खुला, आपके हिंडौन जिला को हिंडौन को ब्लड बैंक हॉस्पिटल में दी गई, ट्रॉमा सेंटर हिंडौन हॉस्पिटल को दिया गया, एक विधायक को से 25 लाख रुपए की एम्बुलेंस दी गई और हिंडौन शहर में खेल स्टेडियम की बजट घोषणा में स्वीकृति कराई गई, कन्या कॉलेज हिंडौन में खुलवाया गया, सूरोठ में कॉलेज राजकीय महाविद्यालय खुलवाया गया, आपके कृषि महाविद्यालय हिंडौन सिटी में खोला गया, 132 GSS ढूंढरों में स्वीकृत कराया गया, एडिशनल SP कार्यालय हिंडौन में खुलवाया गया, इसी तरह से आपका AEN ऑफिस सूरोठ में, आपका बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हिंडौन सिटी में करवाया गया। इस तरह से बहुत सी योजनाएं जो राजस्थान सरकार की योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस हिंडौन को काफी बड़ी सौगातें दी गई। हिंडौन विधायक श्री भरोसी लाल जी का कामकाज पूरी तरह से जनता असंतुष्ट है, उनके बेटे प्रधान, उनके बेटे चेयरमैन भरोसी ने पूरा परिवारवाद किया है, जनता की घोर उपेक्षा की है और जिस तरह से नगर परिषद में उनके बेटे ने लूट मचाई है, आज पूरे हिंडौन विधानसभा में उसके चर्चे हैं। हिंडौन में जो भी विकास काम हो रहा है उसमें 50% भरोसी के परिवार में जाता है और वहां की जनता आने वाले समय में भरोसी से इस कदर नाराज है कि भरोसी को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संकल्प है। ये उनके घर भी जाते हैं तो उनको धुतकार कर भगा दिया जाता है कि तुम लोग रोज की रोज आ जाते हो, हमने ये कह दिया JN से, ये कह दिया। आज लगभग इनको केवल और केवल टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन्होंने सारे के सारे ड्रम लेके नहीं इकट्ठे करके पटक रखे हैं, लेकिन इतनी गंभीर समस्या है कि इनको लगभग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है सर पे रख के। और यदि अपन मैं बात करूं सड़कों की तो आप देख सकते हैं सड़कों की बदहाल स्थिति बनी हुई है। अच्छा जी, क्या समस्या है आपके पानी की, कैसी? पानी की समस्या तो बहुत ज्यादा है, इसके मतलब सरकारी टैंकर जो लगाए सरकार ने वो टैंकर आते हैं टाइम बेटाइम आते हैं, थोड़ा पानी आता है, नलों भी आते हैं, नलों में पानी आता है पर थोड़ा ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। पानी पूरा हो जाता है? नहीं, पूरा नहीं होता है। सफाई और सड़कों की क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल लेट की सुविधा है, बिल्कुल भी नहीं है इस क्षेत्र में, तो लेट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, 4-4 घंटे 6 घंटे लेट नहीं आती है। और पानी की समस्या भी बहुत ज्यादा, 6 साल से हम डोल रहे हैं, MLA साहब के पास भी गए थे, जीन साहब के पास भी, गटर वर्कर्स भी गए थे, हम नगर पालिका भी गए थे, हमने NOC भी कटवाई है, फिर भी पानी में 2 लाइन डाली जिसमें से 1 लाइन में पानी आ रहा है, एक में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पानी के लिए तो हम इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल पानी नहीं है, और जब हम जाते हैं नगर पालिका और पानी वाटर वर्क्स पे कि तुम जाओ हम आ रहे हैं, फिर पीछे आते ही नहीं है, न देखभाल कोई, ना बिल्कुल पानी, बिल्कुल ही नल डाल दिया हमारे दिल के संबोध के लिए, पर पानी मिलता नहीं हमारे लिए, बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता, जब जाते हैं जब भी वापस आ जाते हैं फिर हमारे लिए बोलते तहसील जाओ नगर पालिका जाओ, ढक्के पे ढक्के लगा, पर पानी हमारे लिए मिल ही नहीं रहा। सफाई कर्मी कितने आते हैं? सफाई कर्मी तो बिल्कुल ही नहीं है, सब नाली भरी पड़ी है, गंदगी बिल्कुल गलियों में, बिल्कुल मकानों के बगल में गलियां, इनमें जानवर पड़े मरे हुए, अपन बिल्कुल सफाई के लिए नहीं कोई भी, और सबसे ज्यादा और हमारे चौक में कोई भी हरिजन वरिजन कोई भी झाड़ने के लिए नहीं आता हमारे लिए, सफाई गंदगी नाली में कचरा बहुत रहता है, बिल्कुल सफाई नहीं होती यहाँ पर। और फिलहाल हम 6 साल से टोल रहे हैं पानी के लिए, लेकिन पानी तो दे रहे हैं, सरकार ने टैंकर भी पहुँचा है, लेकिन हमारी पूर्ति नहीं होती इनसे टाइम। विधायक कितनी बार आपके बीच में आए?
विधायक तो बहुत कम आए, नहीं आए, आए ही नहीं वोट के लिए आते। हाँ, बस जब ये आते नहीं आते, विधायक भी एक बार ही आए थे शायद। आप क्या आते हैं विधायक? बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई भी आता ही नहीं। जब वोट डालेंगे जब सब आ जाएंगे, दस दस बार आएंगे, एक बार नहीं दस दस बार। पानी असली परेशानी पानी की हमारे काज है। पानी हम छहते दफे आए और मटकी फोड़ जाए, नगर पालिका हुआ है, बॉर्डर बक्स पे हुआ है, सब जगह हुआ है, तहसील में हुआ है, गंजे के पास गंजा है तो सही वहाँ पे हुआ है। तो जब भी सब बेला बेला के भैया 15 दिन मारिए, 10 दिन मारिए, अब इतने सिलेंडर आ रही है, इधर इधर पानी नहीं, इधर पानी नहीं, गली गली में जाकर देखो कितने गंदगी हो रही है, हमारी बीमारी फैल रही है, हमारे बच्चान के बीमारी। अस्पताल 3rd दिन ले जाके भर्ती करा हम, और खुद हमारे बीमारी है। थोड़े से नल आते 5 मिनट 10 मिनट फिर बंद हो जाते। और कोई समस्या? और गंदगी की है, गंदगी नहीं, बहुत ही ज्यादा, झाड़ू नहीं देते भंगी बिल्कुल भी। लाइट की समस्या है, 6 साल के अंदर एक लाइन डाली है, वो भी बहुत छोटी सी है जो पूर्ति नहीं कर पा रही है। अब इधर थोड़ा सा पानी आता है, आगे बिल्कुल नहीं आता है, और इधर गली आता है। अब फिर उसके बाद में भी ये जाती है तो बस वो आ जाते हैं लोग और खाना पूर्ति करके नहीं, और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर जाते हैं।